Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update from Samco. Hello friends, market ne is hafte ki shuruaat mein ek gap up opening dekhi aur during the week munafa wasooli aayi aur Friday tak market ne aadha percent takriban weekly basis par gains register kiya tha. वैसे तो कई दिग्गज शेयर्स रिलायंस अभी भी करेक्शन में चल रहे हैं, उनमें अच्छा खासा करेक्शन आ भी चुका है और आगे भी थोड़े बहुत अभी भी संभावना है कि करेक्शन चलेगा. लेकिन खासकर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अभी भी खरीदारी का माहौल है. हालांकि पीएसयू बैंक्स में उतनी खरीदारी हमने अभी तक देखी नहीं है. अक्टूबर महीने में आपने देखा होगा कि आईटी और फार्मा शेयर्स में अच्छी खासी तेजी आई थी, लेकिन नवंबर महीने में पूरे नवंबर में वो करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग जोन में चल रहे हैं. तो उसी प्रकार हमें ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रियल्टी सेक्टर और मेटल्स में भी अब जो रैली चल रही है वो भी अगले नवंबर या दिसंबर में, जो नवंबर के दिन बाकी रह गए हैं और दिसंबर में, वहां भी हम एक प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन का रुझान देख सकते हैं. इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको इन सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रियल्टी और मेटल्स में, क्योंकि शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर है और हो सके तो आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे आए, करेक्शन हो, तभी आपको इनमें वापस इन्वेस्ट करना है. हाल फिलहाल के लिए काफ़ी सेक्टर ओवरहीटेड है. इस हफ्ते की बड़ी खबर आपने देखी, हीरो मोटो ने इस दिवाली महीने में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेची, 100% YoY ग्रोथ कंपेयर टू अगले लास्ट ईयर दिवाली के महीने में. तो इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ जब बिकी तो स्टॉक प्राइस ऑब्वियसली 4% मार्केट में इंट्राडे के लिहाज से ऊपर था, लेकिन क्लोज होते होते स्टॉक प्राइस जहाँ था वहीं का फिर वापस आया और वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा थे. इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जो गुड न्यूज़ है, इतनी अच्छी खबर है, सबको पता है कि लॉकडाउन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए गाड़ियां की बिक्री हो रही है और अगले एक दो महीने और भी हो गई. लेकिन क्या यही ट्रेंड या यही वेलोसिटी अगले अप्रैल, मई, जून, जुलाई में भी रहेगा? अगर हाँ तो फिर तेजी इसमें रहेगी, और अगर ना तो फिर दोस्तों स्टॉक प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, काफ़ी ओवर डिस्काउंटिंग कर चुके हैं और इन्वेस्टिंग के लिहाज से अभी आपको ऑटोमोबाइल शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है या लोगों को यूज़ नहीं करना, इसलिए गाड़ियां ले रहे हैं. जब वैक्सीन की क्लैरिटी आ जाएगी या अगले साल जब माहौल ओवरऑल सेंटिमेंट ठीक हो जाएगा, तो शायद जो फियर है वो नहीं रहेगा, तो ओवरऑल जो ऑटोमोबाइल सेल्स की जो बिक्री है वो उतनी जोर से नहीं होगी, और इसके कारण ही अभी उसका रुझान हमें पता चला है कि इतनी अच्छी खबर होने के बावजूद भी स्टॉक प्राइस नहीं चले हैं. तो ये एक संकेत है, ट्रेडिंग के लिहाज से भी आप सेल ऑन रैली की स्ट्रेटेजी कर सकते हैं ऑटो शेयर्स में, और इन्वेस्टिंग के लिहाज से अभी आपको अवॉइड करने चाहिए. वैसे यूएस में भी पावर टसल है दोस्तों, और ये जनवरी के फर्स्ट वीक तक काफ़ी अच्छी क्लैरिटी आएगी, तो तब तक वहाँ भी हमें इसी प्रकार के फियरफुल कमेंट्री आती रहेगी यूएस से भी. तो ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल दिसंबर तक प्रॉफिट बुकिंग ही रहेगा, करेक्शन में रहेगा. आपको पोजीशंस लाइट रखनी चाहिए, लॉन्ग पोजीशंस आपको जहां मिले वहां प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको वेट करना चाहिए करेक्शन का. और आइए ट्रेडिंग के लिहाज से मेरी कलीग निराली शाह के पास चलते हैं. ओवर टू निराली, थैंक यू. हेलो दोस्तों, आज का हमारा पहला कॉल निफ्टी 50 पे है. अगर आप देखें तो निफ्टी 50 नवंबर के स्टार्ट से बम्पर गैप अप पे खुल रहा था और बहुत एक्साइटमेंट और पॉजिटिव सेंटिमेंट का माहौल भी बन गया था, पर ये वीक से रैली का वेलोसिटी थोड़ा ठंडा पड़ गया है और उसके वॉल्यूम्स भी धीरे धीरे घट रहे हैं पिछले एक महीने से. इनफैक्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लगातार 4 कॉन्जिक्यूटिव महीने से आउटफ्लोज देख रहे हैं. अक्टूबर में इक्विटी म्यूचुअल फंड ने 2,757 करोड़ के आउटफ्लोज देखे 734 करोड़ सितंबर महीने से. DIIs का कंटिन्यूस सेलिंग और ज़्यादा स्टॉक्स डेली FNO बैंड में डालना यही संकेत देते हैं कि फिलहाल निफ्टी ओवरबॉट जोन में है और करेक्शन आ सकता है शॉर्ट टर्म में. चार्ट में देखें तो निफ्टी राइजिंग चैनल के ऊपर के एंड में बैठा है और 12,000 लेवल्स तक करेक्ट कर सकता है दिसंबर तक.
इन्हीं सब कारणों की वजह से ट्रेडर्स निफ्टी में शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं। आज का हमारा दूसरा कॉल है पीवीआर। पीवीआर 1047 से 1331 लेवल्स के बीच में कई महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है और अभी अपने 200 ईएमए के नीचे रुका है। सेकेंड वेव ऑफ लॉकडाउन फियर्स ज़्यादा कोविड केसेस बढ़ने से और थिएटर में कम फुटफॉल अर्बन सिटीज में आने से इस स्टॉक का फ्रेमवर्क नेगेटिव बन गया है शॉर्ट टर्म में। स्टॉक ने लोअर टॉप्स बनाया है, इसलिए पोजिशनल ट्रेडर्स शॉर्ट कर सकते हैं 1047 के पहले टारगेट के लिए और 1000 के दूसरे टारगेट 1301 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। थैंक यू।